राज्य मंत्री कृष्ण बेदी एक बड़ा बयान अभय चौटाला पर सामने आया है। राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने शाहबाद में विश्वकर्मा दिवस पर एक समारोह में शिरकत करते हुए मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं बहुत समय पहले कहा करता था हरियाणा में भी विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है और अब तो हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष का पद भी खतरे में है। राज्य मंत्री कृष्ण बेदी विश्वकर्मा दिवस पर एक समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने पिछले दिनों विश्वकर्मा भवन निर्माण के लिए अनुदान राशि भी भेंट की थी। आज फिर से राज्य मंत्री ने भरोसा दिलाया कि अधूरे भवन के लिए अगर और अनुदान की जरूरत होगी तो वह जरूर देंगे। इस सृष्टि के रचनाकार, इस विश्व के मानव जाति के सबसे बड़े शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा जी के आज जयंती समारोह में शाहबाद की विश्वकर्मा सभा ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। मैं अपनी ओर से हरियाणा सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की ओर से समाज को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। पिछले दिनों ये भवन अधूरा था, 10 लाख रुपये मैंने पहले इस भवन के निर्माण में सहयोग किया और मैंने आज और कहा है कि इस भवन को भव्य बने, सुंदर बने, अच्छा बने, इन लोगों की जरूरतों में ये काम दे। इसके लिए और जितने पैसे की जरूरत पड़ेगी वो पैसा मैं देने का। जैसे आपकी पार्टी के दादल वाले की बात आपने करी, इसके बारे में क्या बता? अजमेर जी टिगरी गांव से हैं, दीवान समाज से हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता श्याम सिंह राणा जो हमारे विधायक हर दौर से उनके क्लासमेट रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े निष्ठावान सच्चे सुच्चे सिपाही हैं, बड़ा ईमानदार कार्यकर्ता है। SYL के मुद्दे को लेकर हमने बहुत बड़ा संघर्ष, जब हमारी सरकार सत्ता में नहीं थी हमारे 6 विधायकों ने इस्तीफा दिया था और एक बहुत बड़ी मैराथन 550 किलोमीटर की यात्रा चंडीगढ़ तक SYL के मुद्दे को लेकर हमारे युवा मोर्चा ने की थी। उस युवा मोर्चा के कार्यक्रम में प्रदर्शन करने के लिए, सरकार से मांग करने के लिए हम चंडीगढ़ में एकत्रित हुए थे। उस समय अजमेर धीमान जी उसमें पुलिस की लाठीचार्ज में, पुलिस के पानी की बछौरा के अंदर को काफ़ी चोटें आई थी। प्रोफेसर गणेशी लाल जी उसमें हमारे अध्यक्ष थे, उनको स्वयं सम्मानित करके गए थे और हमने भी वादा किया था कि यदि आपके संघर्ष के कारण भारतीय जनता पार्टी जिस दिन सत्ता में आएगी, जो दांत इनका टूटा था चंडीगढ़ के अंदर, हम उसका लगवाने का काम करेंगे। आज सौभाग्य से अजमेर जी यहाँ पर कार्यक्रम में शरीक थे और मुझे वो बात याद थी। आज मैंने अजमेर जी का सोने का दांत लगवाने की बात। कैसे सर रविंद्र जी से भूषण चौटाला कल मिले हैं, क्या रखा होगा इसके बारे में? अभी बहुत सी चीजें प्रोसेस में है। रविंद्र जी भारतीय जनता पार्टी के समान नेता हैं और केंद्र में मंत्री हैं। यदि भूषण चौटाला एक बड़े वरिष्ठ नेता से मिले हैं, कोई उन्होंने उनसे चर्चा की, आशीर्वाद लेने के लिए गए हैं या आगे कोई उनसे चर्चा करने के लिए गए हैं तो अच्छी बात है, वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद लेना चाहिए, वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करनी चाहिए। परंतु जिस प्रकार से इसका पारिवारिक संगठन इन लोगों का बीच में एक बहुत बड़ी दरार पड़ी है, मैं उसमें व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, परंतु एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। आज हरियाणा में बहुत लंबे समय से कहा करता था मैं कि हरियाणा में विपक्ष नाम की चीज़ नहीं है, अब तो प्रतिपक्ष के नेता का पद भी खतरे में है।